नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी के अंदर और भाई मैं इस फार्म पर जहाँ पर अभी मौजूद हूँ मैं तरन -तारन के अंदर मल्ली स्टड फार्म पर और इस जो फार्म के जो ऑनर हैं अभी हमारे साथ में मौजूद हैं तो हम इस वीडियो में आपको एक नुकरा घोड़ा दिखाने वाले हैं तो भाई साहब नमस्ते कैसे हैं भाई साहब बहुत बढ़िया प्रदीप भाई आप सुनाओ बस बढ़िया भाई साहब बाकी मेरे को दिन छोटे हो लगता है हाँ, क्योंकि सियाल आ रहा है तो दिन छोटे होते जाएंगे। तो अभी खेत बेतों में कुछ काम चल रहा है क्या हो गया खेतों में अभी काम चल रहा है प्रदीप भाई क्या क्या है है हो, हो रही है, और कणक की बिजाई हो रही है क्योंकि मेरे को लगता है कि माघी मंडी आएगी उससे पहले फ्री हो जाओगे हाँ, उससे पहले तो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे बिल्कुल अभी तो मेरे को लगता है पर बहुत लोड होगा खेतों की तरफ से है ना हाँ क्योंकि क्यों ने की कटाई होती है तो साथ में बिजाई वही वतर में होती है तो इसलिए जो है कि बिजी रहना कम होता है तो भाई साहब मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना नाम फार्म का नाम और अपने फार्म की क्या लोकेशन है भाई साहब मेरा नाम सिमरनजीत सिंह अपने फार्म का नाम है मल्ली स्टड फार्म तरनतारन में पड़ता है ये तरनतारन में तरनतारन शहर के बीच में ही पड़ता है शहर के बीच में हां तो भाई साहब बात करें कितने गुड़ा गुड़ी रख रखे अभी फार्म पे भाई साहब अपने पास अभी दो गुड़ी हैं बड़ी दो बशेरी हैं सब तो नौकरी रखते हो भाई साहब हाँ सभी नुकरी गुड़ी है क्यों भाई साहब नुकरों से ज्यादा प्यार है कि मार बड़ी से प्यार नहीं है क्या नहीं मारवाड़ी से भी प्यार है हाँ। मारवाड़ी से ऐसा है की पहले दिन से ही नुकरे रखे हैं तो नुकरों से ज्यादा लगा है तो कितना टाइम हो गया भाई साहब वैसे घोड़े रखते हुए मेरे को भाई साहब दो ढाई साल हो चुके हैं दो ढाई साल हाँ, दो ढाई साल हो चुके हैं तो भाई साहब अगर हम बात करें सबसे पहले तो भाई आपको बधाई हो क्योंकि आपने घोड़ा रिसेंट में खरीदा है क्यों हाँ, जी तो भाई साहब क्या नाम है जो घोड़ा भी हमारे सामने खड़ा हुआ है भाई साहब अपने पास जो घोड़ा है उसका नाम है हैदर है हैदर और हैदर का बाप कौन है भाई साहब हैदर का बाप युवराज आ गया जुवराज का जो बाप था वो सोनाली का था अबूर लाइन का अबूर लाइन का जी तो बाप है अभी नहीं बाप नहीं है अभी तो बाप कहाँ पे था पंजाब के अंदर ही बाप यहाँ से मैंने परचेज किया था अजन की साइड बाप को भी आ, ना, ना 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 जो बाप था ना वो जहाँ से मैंने परचेज किया उसके पास ही पूरा अच्छा, हुआ उसके पास ही पूरा हुआ था हाँ। तो आप ये जैसे ये बच्चा ही भी उन्हीं से लेके आए थे हाँ ये मैंने अभी तीन महीने पहले लिया है स्टालियन पूरा तैयार है तो उन्ही के पास से लिया था जहाँ पे इसका बाप था हाँ जी तो मेरे लगता है उनके घर की होम ब्रीड होगा फिर है हाँ उनके उन्होंने भी पीछे से लिया था जहाँ ज्वालामुखी था ना बड़ा भाई है वहीं पे पैदा हुआ था अच्छा ज्वाला का बड़ा भाई बड़ा है बड़ा भाई है और अगर इसकी माँ की साइड से देखे तो इसकी माँ कौन सी लाइन की थी माँ इसकी आ जाती है साहू के लाइन की साहू के लाइन की हाँ जी बाकी उम्र में कितना हो गया भाई साहब घोड़ा उम्र में ये छह साल का हो चुका है छह साल का और हाइट में कितना होगा हाइट में चौठस प्लस है चौसठ प्लस हाँ जी बाकी स्वभाव कैसा है भाई साहब सुबह भाई साहब इसका अगर वैसे देखें तो बहुत नरम है वैसे जब बाहर निकालते हैं तो इतना एग्रेसिव है कि उसकी बात ही पूछो मत थोड़ा सा झेलना भारी पड़ जाता हाँ, हुआ है वो तो दो जने काफी संभाल पड़ते हैं वो तो यार नुकरों में रहता ही है हाँ, में आपके में क्या मेरे को लगता है कि पंजाब में जितने भी नुकरे सब मारवाड़ी से ज्यादा एटीट्यूड वाले रहते हैं हाँ, ये तो जोश जुनून में पूरा भरपूर रहते हैं सही बात है। और बहुत कम नुकरे घोड़े जिनको एक बंदा संभाल पाता है वर नुकरे अधिकतर दो ही लोग पकड़ के खड़े होते हैं मीडियो में भी सही बात है तो जैसे आपके घर में तो जैसे रूम वगैरह में जाते हो गए तो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो नॉर्मल रहता है रूम नहीं, में तो नॉर्मल तो रहता है अगर कोई घोड़ी जब आ जाती है तब थोड़ा सा खराब करता है वरना तो ये जैसे बिल्कुल तो भाई सब शुरुआत में जब घोड़ा लेके आए होंगे तब कैसे दिक्कत आती है दिक्कत आई थी कि हाँ भाई साहब तब नहीं था सांपने का क्योंकि हमने ਯਾਰੋ ਦੋਸਤੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਮੰਡੀਆਂ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਸਾ ਈ ਗੋੜਾ ਗੂੜੀ ਗੋੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ ਸਾ ਹਮਮ ਦੇਖਤੇ ਤੇ ਅਮਰਸਰ ਮੰਡੀ ਮੁਕਸਰ ਮੰਡੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਤੇ सारी मंडियों में जाके आए हो क्या हाँ तकरीबन क्योंकि अपने पास साथ में ही मन्नू भाई है राणावीर है तो उनके साथ जाके मंडियों में देखा था उनके पास घोड़े थे हमारा भी दिल करता था घोड़े लेने के लिए तो पहले तो घर वालों की परमिशन नहीं थी नहीं। फिर हौली हौली घर वालों से परमिशन ली उन्होंने बोला भी चलो तेरा शौक है तो पूरा कर ली उसके बाद जो है मैंने पहले घोड़ी लेके आया था तो फिर उससे थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते फिर अब ये तीन महीने हो चुके हैदर लेके आए हूँ तो अब इससे भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ कि कैसे सामना है कैसे इसका जो करना है सभी कुछ तो भाई साहब दाने वगैरह में क्या दे रहे हो अभी जैसे दाने में भाई साहब इसको जो भी ए, मेरे से सीनियर है उनसे पूछ के जो जमी जौ शोले, बाजरा ये सभी कुछ जो सियाल में ऐड हो हो जाएगी बिल्कुल वो ऐसे उन भाइयों की रह के साथ ही सभी दाना उबाल के देते हैं तो भाई साहब जैसे आप अभी इस घोड़ा लाइन में नए हो हाँ जी तो आपको क्या लगता है घोड़ा संभालना आसान है कि बहुत ज्यादा मुश्किल काम है जे अगर शौक के साथ देखे तो आसान भी होता है और जेकर इसके साथ जब जो कोई भी चीज़ के साथ देखे तो मुश्किल भी है आसान भी है शौक के साथ देखे तो आसान भी बहुत है और मेरा लगता है कि घोड़ा एक ऐसा है कि आप कहीं जाओ पर आप चले तो जाओगे पर पीछे से चिंता इन्हीं की लगी रहती होगी ये तो भाई साहब सही बात है क्योंकि जब हम आते हैं तो ये जब हिनकते हैं तो इनका भी अट्रैक्टिव होता है अपने पास तो अपना भी इनके पास होता है भाई जब कहीं जाए रहते हैं तो हमारा दिल वहीं पे रहता है भी जाके देखते हैं घोड़ों को तो जैसे भाई साहब शुरुआत में जब शुरुआत करी होगी तब क्या तकलीफें आती थी यानी कि तकलीफें क्योंकि मेरा लगता है कि तकलीफ तो चाहे से बच्चा छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ना जाए हाँ। या फिर आप किसी भी काम को कर लो तकलीफ हर काम में आती है ना प्रदीप भाई तकलीफ सामने में आती थी वैसे डॉक्टर की सहूलत फेरियर की सहूलत तो भाई साहब हैं उनके मतलब कंटेक्ट में सभी कुछ हैं तो उसके तरफ से तो नहीं आई सामने में आती थी कि कभी 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 दाने में डालने में ज्यादा डाल गया कम डाल गया अभी इतनी दो ढाई साल में इतना ही सीखे हैं अभी दाना इतना डालना है ऐसे डालना है यानी कि प्रोसेसिंग चालू है पढ़ाई चालू, चालू है, पढ़ा चालू है। हाँ। ऐसे बोल सकते हैं कि दूसरी क्लास से तीसरी क्लास में आगे हाँ। हो। भी अभी हौली हौली <laughs> आगे जा रहे हैं <laughs> तो जैसे भाई साहब मंडी वगैरह में भी कभी घोड़ा घोड़ी लेके गए कि नहीं गए अभी तक नहीं भाई साहब अभी तक तो नहीं लेके गए हैं घोड़ी लेके गए थे विसाखी मंडी में जो अमृतसर में लगी थी वहाँ पे घोड़ी एक दो घोड़ी लेके गए थे तभी घोड़ा नहीं था अपने पास अभी तो शो में भी सभी में जाएंगे और मंडियों में भी सभी में जाएंगे तो जैसे भाई साहब मंडी में जैसे जाते हो लोग अब टेंट लगा टेंट लगाते हैं घोड़ा लेके आते हैं तो हाँ कभी कभार मन करता है यार हमारे को भी ऐसा टेंट लगाने का मंडी में हमारा भी घोड़ा आवे लोग हमारे घोड़े को देखे हमारे घोड़े को निहारे करता है क्या मन इसी मान के हिसाब से तो घोड़ा लिया है <laughs> ये देखेंगे क्या होता है कितना मजा आता है तो इसलिए तो सोच के टेंट लगाने के लिए तो घोड़ा लिया है टेंट लगाएंगे क्योंकि मेरे लगता है घोड़ा होगा ही नहीं तो टेंट लगाएंगे आ, कैसे यही तो बात टेंट लगाने के लिए घोड़ा बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है और टेंट लगा होगा घोड़ा बंधा होगा तभी लोग आके देखेंगे ये बात हो जाती है बिल्कुल तो भाई सब जैसे बात करें घोड़े की कवरिंग फिर चालू करी के नहीं करी घोड़े की कवरिंग इसके तो भाई साहब पीछे जहाँ पे था बच्चे भी आ चुके हैं बच्चे आए बच्चे आए हैं बच्चे किस, तरी, किस तरीके के बच्चे, बच्चे आ रहे बच्चे बहुत क्वालिटी में बच्चे आए हैं कान छोटा भी आया है इसका जो पेट बुढ़ा बहुत मजबूत आया है और कन्नों कनौतियों में जो इसकी माँ थी ना वो बहुत माँ शीन बहुत थी कन्नों की बिल्कुल ज्यादा ये माँ पे कान लेके जाता है तो जैसे भाई साहब पिछले बात करें तो कितने बच्चे आगे होंगे इसके इसके मलकीत भाई ने अपने को दिए थे पैंतीस चालीस बच्चों की फोटो दी थी भी ये बच्चे हैदर के आ चुके हमने खुद देखे थे और चंगी जो थे ना चंगी प्राइज पे सेल हुए थे तलवंडी एरिए में तो अभी इसके जो द, दो तीन बच्चे जो हैं स्टालियन भी तैयार हो चुके हैं अच्छा स्टालियन दो दो दांत हो चुके हैं अभी तो एक जो है वो सर्विस भी दे रहा है चौठस प्लस हो चुका है बच्चा आपके एरिए में ये अपने इधर पिखी पिंड साइड में पड़ जाता है पिखी पिंड साइड में हाँ। क्या नाम है गुड़े का? उसका नाम तो नहीं पता लेकिन अभी जब मैं यानी दो दांत में हो गया है हाँ दो दांत में हो गया है तो कभी कभार जैसे भाई साहब अपने घोड़े के बच्चे आते एरिया में तो जाते हो के देखने लिए हाँ क्योंकि एक तो एक तो रहता है ना कि यार हमारे घोड़े ने कैसे बच्चे दिए कैसे रिजल्ट दिए अभी भाई साहब मेरे को पंद्रह बीस दिन पहले ही फोन आया था भी अपने बशेरी की जो हैदर की बशेरी थी उसका साढ़े दस लाख रुपया लगा था तो हम चेचा उसको देखने भी गए थे बहुत ज्यादा सुंदर बशेरी थी अभी वो शो में डालेंगे बेच नहीं रहे हैं अब बोलते हैं अभी बेचेंगे नहीं शो में डालेंगे शो के हिसाब से तैयार कर रहे होंगे हाँ फुल तैयार कर रहे हैं उनके पास दो हैदर की बशेरिया दोनों शो के लिए तैयार कर रहे हैं तो ये भाई ये भी एक तरीके से बढ़िया हुआ कि आपने जो घोड़ा लिया उसके रिजल्ट पहले देख लिए होंगे लिया रिजल्ट आ रखे थे हाँ। और ये घोड़ा भी जब मैंने भाई से से लिया लिया था ना तो प्रेम प्यार था कोई मोल बाव करके नहीं लिया था तो जैसे घोड़ा आपने देखो नुकरे घोड़े आपके यहाँ पे बहुत सारे हैं हाँ जी तो कैसे यानी कि भाई को पहले से ही जानते थे कि घोड़े की वजह से मुलाकात हुई कैसे क्या नहीं हमारे यहाँ पे राणा भाई है और मनु भाई है दोनों को पहले मलकीत से कॉन्टेक्ट था उनके जरिए हम मलकीत को देख मिले थे और हमारे सामने घोड़ा फरीदकोट शो में विनर आया था बिल्कुल तो तब राणा भाई और मन्नू भाई बोले थे भी अगर मिलेगा तो ले लेंगे तब उन्होंने ही लेके दिया है यानी घोड़ा पहले ही शो में आपने निगाह में भर रखा हाँ। था ना तो बिल्कुल कट क्वालिटी बहुत है घोड़े की भाई मेरे लगता है अभी गर्मी के हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा कमजोर रख रखा है बाकी अब सर्दी आ गई तो तैयार हो जाएगा अभी जब जब शो लग जाएगा तब तब तैयार होता रहेगा क्योंकि अभी गर्मी भी थी एक और एक दो ढाई महीनों में दिल भी नहीं घुड़ा दिल भी नहीं लगा नहीं लगा होगा नहीं होगा घोड़ा भी कह रहा होगा यार मैं पहले कहाँ था हाँ। मालिक भी चेंज हो गया चेंज हो गया इसलिए भी थोड़ा फर्क पड़ जाता है रजिस्ट्री चेंज हो गई तो फिर घोड़ा कैसे मन लगा बिल्कुल तो घोड़ा मन लगा रहा है नहीं लगा रहा धीरे धीरे नहीं घोड़ा अब तो मन अच्छे से लगा रहा है तो बातचीत करते हुए नहीं करते सुबह शाम इससे बातचीत शाम को जब फ्री होके आते हैं तो दस मिनट इससे बातचीत करके अपना मन जो है ना शांत कर लेते हैं बाकी फीस तो क्या रख रखी है इधर की फीस इसकी जो इक्कीस हजार रुपया रख रक 21000 इक्कीस हजार हाँ जी। तो भाई साहब अपने भांप पे जैसे ये और भी नुकरे घुड़ा घुड़ी है ये तो भाई सेल आप... के हिसाब से भी घुड़ा घुड़ी है क्या अपने पास में हाँ अपने पास हैदर की बच्ची है एक एक नूरे की बच्ची है एक अपने पास अर्जन रौली की वाली की जो आपने वीडियो में दिखाई थी अभी जो हम लोगों को वीडियो में दिखा रहे हैं हाँ, वो कोई अच्छा प्राइज देगा तो दोल के लिए नहीं तो वरना नहीं है बाकी मेरे को लगता है बच्ची भी बहुत अच्छी है लोग हाँ। वीडियो में देख भी पा रहे होंगे है हाँ। ना कनौती की भी बहुत अच्छी है क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से रेट होता है बिल्कुल अगर वो कोई बोलेगा ये ये तो नहीं जो सही रेट कोई लगाएगा तो देखेंगे दे देंगे बाकी नुकरे घोड़ा घोड़ी अपने पास में तीन चार है अगर कोई लेने वाला हो तो दे भी दो हाँ, गए है ना जरूर जी तो अपने पास में एक छोटी बच्ची इस कमरे में भी वो किसकी बच्ची है वो हैदर की है भाई साहब वो हैदर की बच्ची हाँ, है यानी है... है, है। देखी पेट के है, तो बहुत मजबूत है। यानी है। हैदर के रिजल्ट भी अपने पास में है हाँ, अपने पास एक बच्ची आई हुई है और मेरे लगता है जिसके पास में घोड़ा है उसके पास में एक रिजल्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ये तो बात साहब सही है आपकी हम्म बाकी चलो बहुत बढ़िया भाई साहब सीख ही रहे हो मेरे को लगता है की नए नए घोड़े वाले इस मार्केट में आएंगे तभी घोड़ा मार्केट और ऊपर जाएगा सही बात है तो भाई जो भी पुराने लोग हैं वो नए घोड़े वालों को सपोर्ट करें उनको मैंने कि उनके काम की तारीफ करें जिससे उनका भी शौक आगे बढ़े बाकी भाई साहब का जो नंबर है वही मैं टाइटल में दे दूंगा तो कोई भी भाई अगर हैदर से अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता है तो आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं ओके सर थैंक यू